चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, आंसर पहले ही आ गया था। अच्छा दोनों शतक में अलग अलग कितने वो सूत्र है जरा बताएंगे? सौ जिसमें 100 और 101 101 किसमें है? सेकंड वाले। चलिए, वाले, द्वितीय वाले में। गोरक्षनाथ ने योग विद्या किससे प्राप्त की थी? हाँ मोना जी बताइए। होगा चलिए बिल्कुल राइट। गोरख संहिता में कौन से युग का वर्णन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबके लिए आंसर सबसे पहले तैयार ही होगा शायद सभी का। हाँ मेरे हिसाब से जितने लोग हैं सबका आंसर बन गया होगा। अच्छा ये बताएंगे, ये नूरा निशा जी हैं वो षडांग योग के नाम बताएंगे जरा आप? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ थैंक यू। षडांग योग का वर्णन किस श्लोक में किया गया है? कौन से शतक में? ये तो सबको पता होगा ना। बी बी आंसर आया है, बी श्लोक नहीं पता। ए अनुरित का ए आया है, नीरज जी का बी आया है। और जिसने आंसर नहीं किया उसमें से कोई अपना माइक खोल के बताइए जरा। ये क्या है? कुंदन कुमार जी इन, हाँ इस आईडी से जो है बताएंगे प्लीज। नहीं पता मुझे, मैंने टाइप कर दिया। मैंने लेट देखा था मैसेज। चलिए इसमें हाँ किस कोई नहीं बताता, अब मैं बता दूं क्या? दी जी, किरण जी, यस। हाँ ये दीदी पहले जी, शतक में है क्योंकि मैंने पहला शतक ही पढ़ाया था, तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि पहले वाले में। दूसरा 6 नंबर श्लोक में है ये एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए इसको डाला था। ठीक है चलिए आगे चले। योग धारणा के इच्छुक के लिए कितने आसन बताए गए हैं? मेरा क्वेश्चन है, योग धारणा के इच्छुक के लिए कितने आसन बताए गए हैं? शालिनी जी का बी आया है और भावना जी का सबका सबका बी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर बी है। अच्छा इसमें कितने आसनों की बात कही गई है? हाँ 2 आसन चलिए चलिए नेक्स्ट। करना। हाँ कौन सा 16 आधारों में नहीं है? इसके अंदर 16 आधार हैं, हमने पढ़े थे, 16 आधार में कौन नहीं आता? ये निगम साइनी जिसके नाम से जो आईडी है वो बताएंगे प्लीज। माइक खोलिए अपना। सी सी आंसर आया है, किसी का डी डी आया है, मीनाक्षी जी का, और बाकी सब सी है, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है सी, मुझे डी लग रहा है। अच्छा जिसने डी आंसर, अच्छा मीनाक्षी जी आपने क्या डी आंसर दिया है? जी तो मैंने मैंने जो लिखा था, मतलब मुझे याद है, तो मैंने हाँ बच्चों हाँ को तो जो लिखी। लोग सी की तरफ जा रहे हैं वो सब लोग गलत हैं, जो एक अकेला इंसान डी, एक दो लोग गए वो राइट है। ठीक है डी आंसर है इसका, कर्णधार। ठीक है अच्छा कुछ पूछ रहे क्या कोई? दीदी ये ब्रज गर्भ नाड़ी भी का पढ़ा कब उसमें? ब्रज हाँ उसमें लिखा हुआ है नाम, गर्भ जैसे बुक के अंदर है ना, उसमें ये नाम वज्र गर्भ नाड़ी लिखा हुआ है, बाकी जो सर ने हमको बताया था उसमें लिखा था पाव का अंगूठा टखना, मैंने हिंदी में लिखा नाड़ी। अच्छा है। नहीं वो जो जैसे एक मैंने तो हिंदी में बिल्कुल क्लियर जो मुझे पता है उसी तरह से लिखे, तो उसमें तो सर नहीं बताता, पाव का अंगूठा टखना घुटना जंगा सिवनी लिंग नाभि हृदय ग्रीवा प्रदेश कंठ प्रदेश जीभ नासिका भूमध्य लटाट मूर्धा और ब्रह्मरंध्र। ठीक है चलिए। अच्छा और ये जो 16 आधार, एक 29 ज्ञातव्य तत्व होते हैं, उनमें क्या क्या आता है कोई बताएंगे जरा? कोई भी माइक खोल के बताएंगे। ट्वेंटी जिसमें 6 चक्र, नाइन 16 आधार, 2 लक्ष, 5 आकाश आते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ छूट रहा है शायद, एक चीज छूट रही है। 6 चक्र, हाँ 6 चक्र चलिए। बोला था मैंने पहले। अच्छा सॉरी मेरे को ध्यान नहीं पड़ा शायद। चलिए जी कोई नौ बात। द्वारों में शामिल नहीं है,
सबका आंसर बहुत जल्दी आ गया होगा और हम सब लोग को सर ने बहुत बार रटा भी दिया है, तो बिल्कुल सबका बिल्कुल सही आंसर, इसमें डिस्कशन की शायद जरूरत ही नहीं है, सभी एक ही तरफ, हम लोग सब एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सबका, सी आंसर है इसका। पांच अधिदेव में शामिल नहीं है, ये भी हमारे नेट के क्वेश्चन पेपर में आया था, पांच अधिदेव में शामिल नहीं है, वर्षा वाले भगवान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। किसी ने इसके अलावा कुछ आंसर और भी दिया है क्या, तो वो अपना बता दे, जरा एक्सप्लेनेशन दे दे, सबका डी है, बहुत बढ़िया। आधार चक्र का नाम, आधार चक्र का नाम है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, सबके बिल्कुल सही आंसर है, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, सबने पहले ही सबसे सर बिल्कुल टाइप कर दिया। जिन्होंने टाइप नहीं किया है उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं, किसी को भी कंफ्यूजन है, नो डाउट, बहुत अच्छा। चलिए, कामाख्या पीठ स्थित है मूलाधार के मध्य, मणिपुर के मध्य, स्वादिष्ठान के मध्य, सभी में। जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उसमें से कोई एक जन अपना माइक खोल के बताएंगे। मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा किरण दीदी जी, क्योंकि इसमें मैंने जो पढ़ा था मुझे ऐसा लग रहा मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य बोला है। हाँ, वो उसमें ये बताया कि जैसे कामाख्या पीठ किसमें स्थित है, तो वो जब इन दोनों के, अगर किसी चक्र का ही नाम पूछते हैं तो हमेशा मूलाधार आएगा, और अगर वैसे ही ओपन क्वेश्चन है या मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य आता है तो फिर ये वाला ऑप्शन राइट होगा। मुझे भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन किसी पेपर में मैंने उससे लिया है। चलिए ठीक है, कौन सा सही होगा दीदी, सी सही होगा, मूलाधार, मूलाधार, अच्छा मूलाधार। हाँ, अगर खाली चक्र की बात आएगी, एक ही चक्र जैसे ऐसे अलग अलग दोनों के नाम दिए होंगे तो वो मूलाधार लिखेंगे, और अगर दोनों स्वादिष्ठान और मूलाधार के मध्य ऐसे करके ग्रुप आता है तो फिर हम ये वाला लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ दीदी, चलिए, मूलाधार चक्र के देवता कौन है, ये हमने हमारे सब हठयोगी ग्रंथों के अंदर पढ़ा है, तो जरा जल्दी जल्दी हो जाए। भाई जो भी अलग आंसर दे रहा है वो अपना माइक खोल के बताते, बाकी सब चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब सब बिल्कुल सही है, सभी एक साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा, इसका आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट, सदाशिव किस चक्र के देवता हैं, सदाशिव किस चक्र के देवता हैं, आज्ञा सी। से कितने लोग सहमत है वो अपना हैंड रेस कर लेंगे जरा, तो मैं थोड़ा सा देख लूंगी पहले ही। सी से कितने लोग हैं, वन टू, बस दो ही लोग हैं, आंसर तो बहुत लोगों ने दिए थे। सहस्त्रार डी, किसी ने डी। इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अगर चक्रों की देवताओं की बात करते हैं तो जैसे हमारा, जैसे हम नंबर नंबर से देखते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि चक्र, ठीक है। फिर अब इनके क्रम से मैं इनके देवता बता देती हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। तो हमने पूछा है कि सदाशिव किस चक्र के देवता है, तो हमने यहाँ विशुद्धि चक्र को नाम ही नहीं दिया, इसका मतलब कोई नहीं आंसर होगा इसका, ठीक है। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बोल देंगे। चलिए चलिए, क्योंकि हम सीधे सीधे क्वेश्चन तो हम लोगों को बिल्कुल रटे हुए याद है, तो थोड़ा सा वैसा करें कि ताकि हम एग्जाम में किसी कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। गोरख संहिता में कितनी वायु का वर्णन किया गया है, ये हमारा योग का बेसिक क्वेश्चन है, चक्र, वायु, उपवायु। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए कि कितनी नाड़ियों का वर्णन किया गया है, कोई भी माइक खोल के बता दीजिए। 10, 10 नाड़ियों को लिया गया है, 10 में से 3 प्रमुख हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, कुहो नाड़ी स्थित है, फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है जो हम पूरे टाइम से पढ़ रहे हैं, और हम हर लगभग हर एक उपनिषद में, योग के उपनिषद में भी हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, सबका आंसर सी आया, कोई इसमें किसी को डाउट है कि नहीं ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए।
किसी को भी नहीं है। चलिए चलिए फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। गांधारी जो नाड़ी है वो किससे संबंधित है? जिसको भी आ रहा है अपना माइक खोल के फटाफट बताइए। आंसर पूरा बोलेंगे ना, पूरा बोलेंगे। चक्षु में कौन सा चक्षु, इसलिए पूरा बोल रहे हैं। और यशस्विनी दीदी वो भी दाई दाया कर्ण दाया कान। हाँ लेफ्ट में, बिल्कुल बहुत अच्छा। कान है बाया कान। यशस्विनी 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 बाया कान बाया कान लेफ्ट ईयर दाया कान। हाँ लेफ्ट ईयर। हाँ उसका है दक्षिण में। हाँ हाँ हाँ। और कौन सा रह गया है? अलंबुषा मुख में। ठीक है ठीक है, हमारे इसका मतलब 10 का रिवीजन हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्राण की तरफ चलते हैं। छींक का संबंध किस प्राण से है? छींक का संबंध किस प्राण से है? अरे सब लोग सेम ही आंसर क्या लिखे, कुछ तो चेंज होना चाहिए, तो देखने का ही मजा आएगा। दीदी फिर नाक कूर में चारों कर देते हैं एक कुछ और। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ मतलब एक ही चीज चल रही है, एक को चेक कर लिया इसका मतलब सारे आंसर सही है, मतलब हम लोग सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए कर लिया। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवदत्त प्राण का कार्य क्या है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उद्गार जमाई और डका डका इसका जमाई है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा और कुर्म कुर्म प्राण का क्या है? नींद नहीं आने लगती। कुर्म तो आपने बताया ना, उन्मिलन होना, पलक झपकना। हाँ हाँ। और धनंजय का उसमें तो मरने के बाद शरीर छोड़ने पर भी रहता है, वो हिचकी आती है उसमें। हाँ हाँ। अच्छा हमको एक सर ने एक इस धनंजय के बारे में एक और अच्छी चीज बताई थी, कोई बताएंगे कुछ अलग है? जैसे ये मरने के बाद शरीर न छोड़ने वाला प्राण है वो। हाँ जैसे हमारे वो तो सर ने बताया था, लेकिन इसमें एक जैसे और भी बताया था हमको कि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे बॉडी एक शेप में है, जैसे डेड बॉडी होती है उसको फूल जाती है कहीं से कैसी हो जाती है, लेकिन हमारे एक शेप में रहती है तो वो उसी के कारण होती है। जो हमारा लास्ट धनंजय प्राण है ना उसी के कारण होती है। चलिए शक्ति चालन का उद्देश्य क्या है? शक्ति चालन जो कुदरा है उसका उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया सभी सी 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 सी। कहीं मेरा ऐसा तो नहीं है कि मैं सारों के सी ही आंसर बना लिया मैंने? दीदी आपने क्वेश्चन इतने अच्छे बनाए ना, इसलिए वो सभी सही हो रहे गलत। एक्चुअली इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने बहुत दिमाग लगाया था कि कुछ ऐसे बनाऊं कि सोचना पड़े, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे इसमें। कुंडलिनी जागरण बहुत अच्छा। चलिए आसन से होता है पापों का नाश, रोगों का नाश, शारीरिक शारीरिक वो क्या कहते हैं ना, पुष्टि और सभी। डी 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 आंसर आ रहा है, सबका डी आ रहा है सभी आंसर। लेकिन जो हमारा इसमें हाँ हाँ और हाँ अब अच्छा लगा कुछ। दीदी बी है ना इसका, तो बी रोगों का नाश होना। और हाँ ये भी राइट है, बी सही है, रोग का नाश। बी भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। पापों का नाश प्राणायाम से होता है। और सारे राइट हो रहे हैं, इसका मतलब सभी लोग एक हो जाएं भाई, हम एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी लोग एक हो जाते हैं। दीदी लेकिन इसमें ये बोला है ना, जैसे अगर हम गोरक्ष संहिता बस की बात करें तो आसन में केवल शारीरिक रोग दूर बोला है, तो बी होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं तो एक ही तरफ ही जाऊंगी कि पापों का नाश होता है। दीदी रोगों का नाश देखा है मैंने तो उसमें। दीदी रोगों का नाश ही देखा है, आसन का ये फल है कि रोग नाशक है, पाप का नाशक है, शारीरिक पुष्टि करता, मतलब सभी आना चाहिए। लेकिन हमारे जो गोरक्ष संहिता जो ग्रंथ में है उसके अकॉर्डिंग पूछना है, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, तो मैं तो एक ही तरफ जा रही हूँ। मेरे से सहमत है क्या आप लोग? दीदी पापों का नाश तो प्राणायाम। नहीं दीदी बी से सहमत है। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की। दीदी बी से सहमत है, मेरी आवाज सुनाई दे? हाँ जी दी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा हाँ, किसी के माइक खुल रहे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो मैं तो एक ही तरफ जा रही हूँ क्योंकि हम लोग बी की तरफ जा रहे हैं। हम बी की तरफ जा रहे हैं, हमने क्वेश्चन पेपर में देखा था।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गोरख संहिता की जब बात आती है ना तब ये आता है, बाकी आंसर ये तीनों ही सही है। ठीक है उन्होंने बोला मत जाइए एक ही तरफ आप। नहीं, मैं तो एक ही तरफ ही जाऊंगी, के साथ नहीं जाएंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट, रज का स्थान है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रज का स्थान है, ये कुछ हमारे कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम लोग सभी उपनिषदों में और हठयोगी ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, तो इसमें फटाफट आंसर आ जाने चाहिए सबके। बिल्कुल सब सबका सही एक ही आंसर आ रहा है। चलो चलो, कभी कभी एक आता कभी अलग आता, सब चलेगा। बहुत अच्छा, इसका आंसर है नाभि मंडल बी। दीदी आ गया कुंदन भैया का। अच्छा, शायद वो चाहते हैं कि कुछ चेंज हो। खोलिए भैया माइक, खोलिए और बताइए जरा आपका, एक्सप्लेन कर दीजिए अपने आंसर को। अब सब कह रहे थे कुछ अलग आंसर चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसा अलग नहीं जा रहा है। बहुत देर से मेरा माइक म्यूट था ना, तो मेरे अंदर से इच्छा हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा, चलिए मंडल होगा इसका स्थान। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए फिर तो मैं ऐसा ही कर लूंगी कि मैं अपना आंसर गलत बोलूंगी तो फिर आप उसकी पुष्टि के लिए आ ही जाएंगे आगे कोई ना कोई। चलिए, तीन तीन वेदों में शामिल नहीं है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है फटाफट। हाँ, इसमें कुछ चेंज है ही नहीं, सबका सेम ही, और हमको सबको पता है सेम ही, और इसी रास्ते जाना है हम सबको। ठीक है, अथर्ववेद इसका आंसर है। हंस मंत्र में ह से हम से तात्पर्य है, रेचक पूरक। जिन्होंने ए बताया है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ए बताया, जिनने भी ए बताया। मैंने बताया है, मतलब हंस मंत्र में हंस तो वो सोम मंत्र होता ना, तो वो ये हाँ से मतलब सिर्फ सांस लेते तो हाँ, और छोड़ते तो सागर। हाँ बिल्कुल, समझा तो बिल्कुल सही रहे थे आप। हाँ, लेकिन हाँ, जैसे हम और स, हाँ, तो ह का मतलब रेचक से और स का मतलब पूरक से। अच्छा, उल्टा बोल दिया। हाँ इसीलिए मैंने पूछा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज। चलिए बहुत अच्छा, अपत्य रस में शामिल है, अपथ्य रस में शामिल है, अम्ल मधुर, तीक्ष्ण कटु, अम्ल लवण और मधुर लवण। एक आंसर आया है ए, फिर सी, बी भी आ गए, कोई डी भी लिख ही देंगे, इसका मतलब बी आंसर आ रहा है सबका, ज्यादा सी आई है मेजोरिटी में। जिनने बी लिखा है वो थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, किसी जिसने भी बी लिखा है। अनिरुद्ध बताओ, तीक्ष्ण लिखा है ना इस पे, तीक्ष्ण और कटु होगा इसका। हाँ, तीक्ष्ण और कटु जी, ये अम्ल और लवण नहीं होगा। हाँ, अम्ल और लवण है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ है बुक के अंदर। ओके ठीक है, क्लियर जी। चलिए चलिए, अच्छा अम्ल लवण है ना दीदी। हाँ अम्ल और लवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक और बताइए, हमारे घेरण संहिता में कौन कौन से थे, घेरण संहिता में उसको भी साथ ही ले लेते हैं। हाँ हाँ, चार चार की बात कही गई थी, बहुत अच्छा। चलिए, सब प्रकार के विष को पचाने में सहायक है, उद्यान वन, महामुद्रा, नमोपुत्र और सभी। आंसर हमारा आया है बी, महामुद्रा, बी बी, सबका सेम आंसर है, इसका मतलब यही राइट है। ठीक है, महामुद्रा है। अगर मान लो इसके अंदर वो एक आसन का नाम ले लिख दिया था, तो हम कौन से आसन को लिखते अगर फिल्म में। मयूरासन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलिए बहुत अच्छा, पंच आकाश में शामिल नहीं है, सूर्याकाश, महाकाश, विश्वाकाश और तत्वाकाश। अरे वह नीरज जी, सबसे पहले बिल्कुल पहले से इसका मतलब सोच के रखा था, फटक से टाइप कर दिया है, बहुत अच्छा सभी लोग। बिल्कुल, इसका मतलब इसमें किसी को डाउट ही नहीं है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। विश्वाकाश इसका दी, विश्वाकाश वैसे क्या होता है ये ना, मैंने उसमें अपने से बना लिया कुछ भी। ओके जो विश्व में आकाश होता है वो विश्वाकाश। नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को लगा कि ऐसा सिमिलर क्या वर्ड बनाया जाए जो सिमिलर लगे। हाँ सही बनाया। चलिए, 16 आधार आधार बंद होते हैं, किस बंद में 16 आधारों को बांधा जाता है। जालंधर बंद, जालंधर बंद, सबने जालंधर बंद ही लगा लिया। अरे वाह, फिर तो सबके आंसर सही हो गए। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बताएंगे,
चलिए ये हाँ इसका आंसर जालंधर नाम है। मैं एक ओपन क्वेश्चन है वो कुछ पूछ लेती हूँ। खेचरी मुद्रा का फल बताएंगे कोई? खेचरी मुद्रा का फल बताएंगे, सिर्फ जो अलग होगा सबसे, बाकी सब है कि जन्म मरण से करते हैं वो करते हैं, वो नहीं कुछ अलग है। वो प्यास नहीं भरती, टेंशन नहीं होता, वो मतलब दृष्टि होती है उसमें, और कपाल कोर में जीव का प्रवेश कराते हैं। और भी कोई बताएंगे? सोम रस के पान करने में कर्म से लिप्त ना होते हैं, भोग मरण निद्रा शुदा वगैरह। हाँ जैसे खेचरी मुद्रा में और जो भी चीज मतलब और जिस ग्रंथों में भी बताया गया उसमें कहा ना कि वो कपाल गुहा में चढ़ती है और वो अमृत का शरण भी रुक जाता है, ये सब चीजें आती है। इसमें एक और अलग से एक और अलग चीज बताइए जो मुझे मैंने नोट करी थी कि कर्म बंधन में नहीं पड़ता। कर्म से लिप्त नहीं होता और शोक रहित होता। हाँ हाँ इसको आप नोटिस करके लिख लीजिएगा ठीक है। रसों का ठीक प्रकाश शोषण करने वाली मुद्रा कौन सी है ये बताएंगे? हमारे जो खाने के जो रस होते हैं उनका अच्छे से शोषण करने वाली मुद्रा कौन सी है ये आप लोग नोट कर लेंगे। और किसी का कोई आंसर है तो बताइए। दीदी विपरीत करने, क्योंकि उसमें भूख खूब लगती है ना। अच्छा आपका लॉजिक तो बिल्कुल सही था, खेचरी मुद्रा होगी। मुझे खेचरी लग रहा है क्योंकि हर प्रदीप का मैं छह रस बताएंगे। हाँ मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिखा कि हम सब लोग वही आंसर बोलेंगे, या तुम खेचरी मुद्रा को बोलेंगे या हम विपरीत करने। दीदी आपकी स्किन तो आगे, आपके स्किन तो आगे बढ़ी नहीं है इसमें, कितने अब आंसर नहीं है ना, ये तो ओपन क्वेश्चन किया मैंने। मैं ओपन क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ओपन क्वेश्चन है, सिर्फ पांच मिनट के लिए करूँ, दो मिनट करूंगी सिर्फ और ठीक है। मतलब हम कुछ चीजें नोटिस कर ले, जैसे मैंने उस दिन भी कुछ बता नहीं पाई थी तो इस वजह से ठीक है। इसमें महामुद्रा आएगा, रसों का ठीक प्रकाश। हाँ महामुद्रा आप पढ़िएगा, उसके अंदर जो मुद्रा वाला इसके अंदर गौरक संहिता के अंदर उसमें आप पढ़िएगा, महामुद्रा आएगा। और एक है योनि मुद्रा को सिद्ध करने वाला बंध कौन सा है? मूलबंध। मूलबंध बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मुझे नहीं बनाना, इसका मतलब ये बहुत आसान था, हम सबको पता ही था है ना। चलिए रोग नाशक व दुख नाशक बंध कौन सा है? कौन से बंध से रोग का नाश होता है और दुखों का नाश होता है? दुखों का नाश होता है, मेन ये बात को ध्यान देना है, दुख का नाश होता है। हाँ ये अपना ये वाला होगा ना, जालंधर बंध। जालंधर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके लिए अपन खुद ही क्लैप कर लेते, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया है। चलिए मेरे क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब मैं पुष्पा जी का वो कर देती हूँ ठीक है। सबको थैंक यू, थैंक यू दी, आप सब लोगों को थैंक यू। सबसे पहला तो ये होता है ना, आप सब लोगों को थैंक यू। चलिए अब सेकंड शट तक की और हम चलते हैं, गोरख संहिता के सेकंड से तक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्राणायाम की कितनी मात्रा से युक्त है? 12, 16, 18 या 24? नमस्कार पूजा जी, आवाज आ रही है मेरी? कुंदन जी का जी, 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 जी पुष्पा जी आ रही है आपकी आवाज। ए और 12, ए 12, सभी का राइट आंसर, सभी सही आंसर की तरफ जाते हुए, शालिनी जी ए, राधिका जी ए, सभी 12 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका आंसर भी ए सही है। इसकी प्राणायाम 12 मात्रा से युक्त होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन है कि अधम प्राणायाम 3 गुना कौन सा प्राणायाम होता है? सी सी उत्तम और निगम जी सी, शाली जी सी, यमुना जी सी, शिवानी जी सी, कुंदन जी सी, सभी सी की तरफ, सभी को सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका राइट आंसर है उत्तम प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, प्राणायाम के लिए कौन सा आसन बताया गया है? कुंदन जी कह रहे हैं सुखासन, पूजा जी कह रही है डी डी, और शालिनी जी ए, यमुना जी डी, चैतन्य जी ए,
नौरा निशा जी डी, जयश्री जी ए, कुंदन जी बद पद्मासन कह रहे हैं, भावना जी ए, अजीत देव जी ए, तो इसमें जो प्राणायाम के लिए जो आसन बताया गया है वो जो भी डी, जिन्होंने भी डी लिखा है उनका आंसर सही है। इसमें प्राणायाम के लिए बद पद्मासन का, बद पद्मासन को बताया गया है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, मध्यम प्राणायाम मात्रा का अनुपात है, आप देख लेंगे ए बी सी डी में कौन सा अनुपात है। शालिनी जी भी कह रही है, भावना जी भी, बी नीरज जी भी, कुंदन जी भी, जयश्री जी भी, निगम जी भी, इसमें तो कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा, अजीत जी भी, शिवानी जी भी, पूजा जी भी, और इसका राइट आंसर है, कुंदन जी इसका आंसर दे देंगे जी, 24-32-20 राइट आंसर है, बिल्कुल ये 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 17-28 प्राणायाम से क्या सिद्ध होता है, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि या धारणा। नीरज जी डी कह रहे हैं, नोरा जी ए, पूजा जी धारणा कह रही हैं, जयश्री जी भी धारणा, धारणा धारणा धारणा, राधिका जी डी कह रही हैं धारणा। इसमें मतभेद, काफी मतभेद नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी जी आप इसका आंसर करेंगी, मीनाक्षी जी हैं जी। पुष्पा जी मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रही थी एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 1728 प्राणायाम से क्या सिद्ध होता है, इसका आंसर धारणा लग रहा है शायद, मुझे धारणा होना चाहिए क्योंकि पहले प्रत्याहार करते 12 फिर 12x12 ऐसा करके होगा, तो धारणा जो बी, जिन्होंने बी दिया उनका सही है, इसका आंसर ध्यान होगा। प्राणायाम के बाद तो धारणा ही होता है पुष्पा जी, गलत है आप थोड़ा सा यहाँ पे, पतंजलि में तो धारणा ही है जी, धारणा ही है इसमें, मैंने गौरव क्षेत्र में धारणा ही पढ़ा था, धारणा से सही आंसर है। नहीं इसमें ऐसे होगा ना कि 12x12x12, हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ जी हाँ जी ये सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा 12x12 होता है तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आपका 144 आ जाता है, उसमें आ जाता है धारणा आ जाता है, फिर हम 12 को फिर 144 से करेंगे तो 172 आता है, तो उसके बाद ध्यान आता है आपका, और फिर उसके बाद 20,000 कुछ 736 करके है, तो उससे हमारी समाधि सिद्ध होती है, ऐसे कल मैंने बताया भी था, ध्यान है थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, ध्यान होगा पुष्पा जी, वो मेरे दिमाग से निकल गया, पहले 12x12 करेंगे फिर 12x12x12 करेंगे, तीन बार हाँ। मैं आपको स्लाइड भेज दूंगी, उसमें लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके दीदी ठीक है अभी तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, षडांग योग का तीसरा अंग क्या है, कुंदन जी डी, भावना जी डी, शिवानी त्यागी जी डी, नौरा जी डी, और सभी डी की ओर जा रहे हैं, और ये आंसर भी ठीक है, तो ये सभी का राइट आंसर है, सभी एक मत है, तो प्रत्याहार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत चैतन्य शक्ति किसका फल है, ध्यान का, समाधि का, प्रत्याहार का या धारणा का। सभी एक ही तरफ जाते हुए, नीरज जी और पूजा जी ध्यान कह रहे, निगम ए, शालिनी जी ए, राधिका जी ए, चैतन्य जी ए, तो सभी का आंसर ये सही है, तो इसका आंसर ए राइट आंसर है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 8, जो योगी मूलाधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है वह किसके समान हो जाता है, सदाशिव, वासुदेव, पंचमुख शिव या ब्रह्म। नीरज जी सी कह रहे हैं, और पूजा सिंह, राजपूत जी सी, नीरज जी सी, और चैतन्य जी सी, राधिका जी सी, नौरा जी सी, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, भावना जी सी, तो इसका राइट आंसर सी है, पंचमुख शिव की ही तरह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे किरण जी, जिह्वा के कपाल कुंवर में लगने से योगी को कौन से रस स्वाद का अनुभव होता है, लवण, क्षार, मधु या यकृत, इसमें से दो ऑप्शन आपने चुनने हैं। नीरज जी सी कह रहे हैं, वो मधु है या मूद है, टिकता है ये, एक तो मधु है और मधु है ना,
ये उ की मात्रा गलत लगी है तो इसमें सी मधु आ जाएगा और ये डी टिक्त है। अजीत जी सी, शिवानी जी सी और नौरा जी सी और कुंदन जी सी सभी मैसेज करेंगे। जयश्री जी सी और सभी सही आंसर की तरफ बढ़ते हुए इसमें शार और मधु, इसमें छह रसों का वर्णन है। किसी को भी छह रस अगर याद है तो वो बता सकते हैं। क्षार, कटु, अम्ल, दूध और मधु, घृत। बिल्कुल राइट आंसर है शालिनी जी आपका और इसका आंसर सी भी बिल्कुल सही है, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें आपने इसे सुमेलित करना, मिलान करना है कि किसके देवता कौन से, पृथ्वी के देवता, जल के देवता, अग्नि के, वायु के, आकाश के, इनका मिलान कर जाएंगे। नीरज जी सी कह रहे हैं और भावना जी भी सी। भावना जी आप इसका आंसर बता देंगे। हाँ दीदी, इसमें जो ए पृथ्वी है उसका ब्रह्मा और बी जल है, जल का होगा इसमें, फोर्थ होगा विष्णु जी जल में रहते हैं, अग्नि का बताया इसमें, फिफ्थ होगा रुद्र, वायु का ईश्वर और आकाश का यानी सदाशिव। तो इसका फर्स्ट का हो जाएगा आपका थर्ड, बी का हो जाएगा इसमें फोर, सी का हो जाएगा इसमें फाइव, वायु का फर्स्ट यानी डी का, ई का हो जाएगा सेकेंड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है भावना जी और सभी ने इसका आंसर सही दिया है, सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुनने के हैं, ये इनके गुण बताए गए हैं, आपको इनके गुणों से मिलान करना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, इसका मिलान कर जाएंगे। कुंदन जी बी, नीरज जी बी और निगम जी बी, सभी बी की तरफ जाते हुए। जयश्री जी भी, अजीत जी भी और चैतन्य जी भी, अजीत देव जी इसका आंसर करेंगे। इसका जो है पृथ्वी का जो है लिया गया है अस्तम्बन और जल का लिया गया है द्रावणी और अग्नि का लिया गया है दाहिनी और वायु का लिया गया है आपको फाइव नंबर में है ब्राह्मणी और वायु का हो गया, डी हो गया, आकाश का हो गया शोषणी। ठीक है आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से क्या होता है, कैवल्य, समाधि, सिद्धियां या मोक्ष की प्राप्ति। अभी किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। नीरज जी ए कह रहे हैं कैवल्य, निगम जी भी ए, भावना जी सोच रही है और शालिनी जी डी कह रही हैं, भावना, कुंदन जी डी, अब थोड़ा कुछ सही आने लगे आंसर, राधिका जी डी। तो इसका राधिका जी आप बता देंगे इसका सही आंसर, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो इस बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एक मिलान का है, सुरमेलित कीजिए। नीरज जी सी, भावना जी डी, निगम जी सी, भावना जी सी, मीनाक्षी जी सी, राधिका जी सी, सब सी की तरफ जा रहे हैं। नीरज जी आप इसका आंसर दे देंगे। देखिए मैं बस एक ऑप्शन देखता हूँ, मैंने आसन का देखा, शारीरिक रोग दूर होते हैं और तो इसका सी लगा दिया मैंने देख के। तो आपका राइट आंसर तो सही है, सी तो ठीक ही है, आगे भी बता। जी जी मैं आगे बता रहा हूँ, आसन का तो थर्ड हो गया हमारा, शारीरिक दूर होते हैं, प्राणायाम का हमारा पाप दूर होते हैं, जैसे पाप का नाश होता है बताया था पहले, मुझे प्रत्याहार मन के विकार मिट जाते हैं और धारणा से देहशाली बन जाते हैं। इसी तरह हमें पेपर में भी करना है, हम इसी ट्रिक से हम पेपर में भी आसानी से हम कर सकते हैं, तो जो हमें मिल जाता है उसके बाद हम उसी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें भी आपको चक्राज है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ा, और एक बार और कर लेंगे क्योंकि थोड़ा मिक्सअप भी है, दोनों शतक में एक जैसी बातें कही गई हैं बार बार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इनको सुमेलित करना है आपने।
इनके चक्रों से। मीनाक्षी जी ए कह रही है, नीरज जी ए, भावना जी ए, कुंदन जी ए, निगम जी ए। निगम जी इसका आंसर करेंगे, निगम सैनी जी। नौरा जी आप कर दीजिए। फर्स्ट में मूलाधार, सॉरी पृथ्वी का आएगा मूलाधार और जल का फर्स्ट स्वाधिष्ठान, थर्ड अग्नि का आएगा फोर्थ मणिपुर और टी वायु का आएगा हमारा थर्ड अनाहत और आकाश का आएगा फिफ्थ विशुद्धि। ठीक है, इसका आंसर ए। सर 20 क्वेश्चन है, अभी 6 क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काल को विष में भस्म हो जाता है तो किस पंच महाभूत धारणा करने का फल है। कालकूट विष भी भस्म हो जाता है और मीनाक्षी जी बी, बी सभी का आंसर बी आ रहा है, जल में। तो ये राइट आंसर है, जल में कालकूट विष भी भस्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गोरख संहिता में ध्यान के प्रकार हैं 2, 3, 1 या 4। शिवानी जी और हमने सभी का सेकंड आंसर आ रहा है 2, 2, मगर इसका इसका राइट आंसर आपका ए है 2। इसमें दो प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, बता सकता है कौन से दो ध्यान बताए? सकल निष्कल और निर्गुण। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सकल निष्कल भी है ना इसमें, उसी को सगुण और निर्गुण है। नहीं, सकल निष्कल ध्यान, सकल ध्यान और निष्कल ध्यान नहीं, इसमें सगुण और निर्गुण है। बीज में आत्मा, ओके, वो आत्मा की प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान के लिए कितने स्थानों का वर्णन किया गया है, 16, 9, 5 या 10। ध्यान के लिए कौन से कितने स्थानों का, पूजा जी 5 कह रहे हैं, मीनाक्षी जी 9, शालिनी जी बी कह रही हैं 9, नीरज जी 9, राधिका जी 5 कह रही हैं। इसमें काफी मतभेद है, कुंदन जी 9, तो इसका बी, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है वो राइट है। इसमें 9 स्थान बताए गए हैं, कोई 9 स्थानों का वर्णन बताएगा कौन से 9 स्थान हैं? जी मुझे बट गुदा, मेद्र, नाभि, हृदय, घंटिका, मध्य, विस्तुति, लंबिका, नभोविल। वेरी गुड कुंदन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, प्राण शरीर से नासिका से कितने अंगुल बाहर निकलता है, 36 अंगुल, 32 अंगुल, 96 अंगुल या 12 अंगुल। नीरज जी ए कह रहे हैं इसका आंसर, भावना जी भी ए और पूजा सिंह राजपूत जी भी 36, चालनी जी ये, तो इसका ये सब राइट आंसर है और इसमें 36 अंगुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 5 घड़ी या 2 घंटे में प्राण का अवरोध करना कहलाता है, समाधि, ध्यान, धारणा या प्रत्याहार। मीनाक्षी जी सी कह रहे हैं, चालनी जी सी, नौरा जी ए, नीरज जी धारणा, कुंदन जी समाधि, भावना जी सी, जयश्री जी धारणा। जो भी सी कह रहे हैं इसका राइट आंसर सी है, धारणा। सी, जिनका भी सी आंसर है वो धारणा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 दिन तक प्राण का निरंतर संयम कहलाता है, समाधि, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार। नीरज जी धारणा, मीनाक्षी जी ए, इसका भी धारणा, नहीं इसका धारणा नहीं होगा। किरण जी ए कह रही है और मीनाक्षी जी ए समाधि, नौरा जी ए, नौरा जी आप इसका आंसर कर देंगे, ए ऑप्शन समाधि राइट आंसर है। 12 दिन तक प्राण का नियंत्रण संयम करने से समाधि की प्राप्ति होती है। और यहीं पे मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आपने सभी